हेलो मित्रों, नमस्कार। ए क्लब बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ करंट फैक्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद मुर्मू, आगे लेह के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, आगे आसियान शिखर सम्मेलन 2019 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। आगे देखते हैं, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेम्मा एंड एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक माधव गोड बोले हैं। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध पारगमन की घटना 11 नवंबर 2019 को हुआ, आगे यह घटना 2032 में होगी। अगला क्वेश्चन, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी में नवंबर 2019 में हुआ। अगला क्वेश्चन, चेरी ब्लास्म समारोह शिलांग मेघालय में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, राजीव गाबा कमेटी दूर संचार पर गठित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, इफी 50 का आयोजन पणजी गोवा में हुआ। इसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये नवंबर 2019 में हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कॉरपोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करने का निर्णय लिया है नवंबर 2019 में। अटापका बर्ड सेंचुरी, यह कुलेरी झील आंध्र प्रदेश में है, किसड़ा एवं गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं, चिल्का झील, कुलेरू झील, पुलिकट झील, ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण, ये क्रम है। आगे देखते हैं, चंद्रताल एवं रेणुका ताल, ये वेटलैंड स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 केरल के मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूथरी को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाए अल बहर, इसको सागर की दहाड़ कहते हैं, नौ सैन्य अभ्यास भारत एवं कतर के मध्य 7 नवंबर से 21 नवंबर 2019 में दोहा में होगा। दोहा जो कि कतर की राजधानी है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी को जैविक मरुस्थल नदी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 है, पूरे विश्व में विरासत स्थल 1121 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट शक्त, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, एटालिन जल विद्युत परियोजना दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पावर ऑफ साइबेरिया क्या है, यह रूस के साइबेरिया से चीन तक गैस पाइपलाइन बिछाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेक्स रिस्क इंडेक्स 2020 में पहला स्थान जापान का, भारत का 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये मुंगुस एक पशु है जिसके बालों के अवैध व्यापार को रोकने से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत एवं चीन के मध्य 7 से 20 दिसंबर 2019 को उमरोई मेघालय में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भारतीय अभियंता जिसने चंद्रयान 2 के लैंडर के दुर्घटना स्थल की खोज में नासा की मदद की, सन्मुगा सुब्रमण्यम, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया,
जो कि दिसंबर 2019 में मनाया गया, नागालैंड में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, G20 के अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? ये सऊदी अरब है, इसने G20 का पहली बार अध्यक्षता किया है। अगला क्वेश्चन, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन काठमांडू नेपाल में दिसंबर 2019 में हो रहा है। अगला क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली यात्रा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा जल परिवर्तन के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा की शुरुआत दिसंबर 2019 में किया। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2019 का मुख्य विषय कम्युनिटी मेक द डिफरेंस है। धन्यवाद मित्रों, यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और मित्रों में शेयर करिए। यदि कोई गलती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको संशोधन करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।